नंबर 10 पर है कर लेक। इस झील को पर्वती झील भी कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ों और खूबसूरत दृश्यों से घिरी हुई है। सुंदर दृश्यों वाली ये झील समुद्र तल से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कर झील पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है क्योंकि यहाँ पर कई तरह के अद्भुत पक्षी पाए जाते हैं। नंबर 9 पर है स्टोक पैलेस। स्टोक पैलेस सिंधु नदी के करीब स्थित लेह लद्दाख में देखने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस महल को 1825 ईस्वी में बनवाया गया था। ये आकर्षक महल अपनी वास्तुकला, डिजाइन, सुंदर उद्यानों और अद्भुत दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यह महल शाही पोशाक, मुकुट और अन्य शाही सामग्रियों के संग्रह का स्थान भी है। नंबर 8 पर है लेह मार्केट। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने जा रहे हैं तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको इस बाजार का दौरा जरूर करना चाहिए। लेह मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं। बता दें कि इस मार्केट में कई छोटे बड़े तिब्बती बाजार भी हैं। शॉपिंग करने के अलावा आप यहाँ लेह के कई तरह के स्थानीय भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर है हेमिस मॉनेस्ट्री। लेह शहर के प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थलों में हेमिस मठ का नाम भी शामिल है। ये एक तिब्बती मठ है और लद्दाख का सबसे बड़ा मठ है। आपको बता दें कि हेमिस स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फ में पाए जाने वाले तेंदुए का भी घर है जो यहाँ हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। नंबर 6 पर है खारदुंगला पास। ये पास समुद्र तल से 5600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सक्षम पास होने का दावा करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हवा ये महसूस करवाती है जैसे कि आप दुनिया के शीर्ष पर खड़े हैं। पिछले कुछ सालों में खारदुंगला पास लेह लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है। दोस्तों, नंबर 5 पर है शांति स्तूप। शांति स्तूप लेह लद्दाख का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो एक बौद्ध सफेद गुंबद वाला स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण जापानी बौद्ध भिक्षु द्वारा किया गया था। ये स्तूप समुद्र तल से 4200 मीटर की ऊंचाई पर है और सड़क मार्ग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, नंबर 4 पर है लेह का प्रसिद्ध गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस खूबसूरत गुरुद्वारे को 1517 में गुरु नानक देव जी की याद में बनाया गया था। ये जगह सेना के काफिले के लिए बहुत ही खास जगह मानी जाती है क्योंकि यहाँ आगे के कठिन मार्ग की यात्रा करने से पहले सेना के जवान इस गुरुद्वारे के दर्शन करने को शुभ मानते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर है लेह पैलेस। लेह पैलेस लेह लद्दाख का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। ये भव्य और आकर्षक पैलेस 17वीं शताब्दी में राजा का शाही महल हुआ करता था। लेह पैलेस अपने समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसमें 9 मंजिल है। इस पैलेस की छत से लेह शहर का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। नंबर 2 पर है मैग्नेटिक हिल। लद्दाख के लोकप्रिय मैग्नेटिक हिल को ग्रेविटी हिल भी कहा जाता है। यहाँ पर वाहन ग्रेविटेशनल फोर्स या जिसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं की वजह से अपने आप पहाड़ी की तरफ चढ़ते हैं। ये पहाड़ी समुद्र स्तर से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और लेह शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 1 पर है पैंगोंग लेक। नीले आसमान, सुनहरे मैदानों और बर्फ से ढकी चोटियों के बीच में स्थित पैंगोंग लेक एकदम जादुई दुनिया जैसे लगती है। ये लेक 134 किलोमीटर लंबी है और लद्दाख से तिब्बत तक पहुंचती है। इस लेक के आसपास कई सारी कैंपिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। लेह लद्दाख की एक खूबसूरत जगह होने के साथ साथ कई फिल्मों की शूटिंग का हॉटस्पॉट होने की वजह से इस झील को काफी लोकप्रियता मिली है।